हाय हाय गाइस, गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुर्रम। मेरा नाम है वजह। तो भाई साहब, हनुमान जी का भाई सपना आया है। एक मतलब हाँ, के लेडी थी उनको, जो के भाई मतलब के वो थी, एक किस्म की क्या अप्सरा कहें, थी। अप्सरा थी, उनको आया। हाँ, लेकिन अब आगे देखते हैं आगे होता होता है है क्या। क्या? तो स्टार्ट। ये कैसा सपना था नाथ? हाँ, क्या वो शिशु हनुमान थे? वही ना। किंतु मुरली मनोहर वर की अप्सरा बानर को कैसे जन्म दे सकती है? हाँ। उसका नाम तो कुंजित कहला था स्वामी, परंतु स्वप्न वाली स्त्री को तो अंजना पुकारा जा रहा है। क्या पता उसका नया जन्म हो, कुछ नहीं। आप पुंजिक स्थला स्वप्न में अपना भविष्य देख रही थी। ये शुरू में ना दारी बात, उसे पवन पुत्र हनुमान की माता बनने के लिए अंजना नामक बानरी के रूप में जन्म लेना पड़ा एक श्राप के कारण। किंतु पुंजिक स्थला तो भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी, वो श्राप की भागी कैसे हो गई? अच्छा, वो श्राप दिया भी तो किसने? और क्यों? इस जगत में सौभाग्य या दुर्भाग्य, समझ गया हूँ सारी श्राप क्या? या वरदान, यानी कि उनको श्राप मिला था वानर का, और वानर जो आए थे वो पुंजिक स्थला को रावण की लंका एक महान दायित्व दिया गया था, जो होता है नीति में होता है। उसके लिए उसे श्राप की देहरी पर पांव रखना ही पड़ा। पुंजिक स्थला की जैसी श्रद्धा भगवान भोलेनाथ में थी, वैसी ही देवगुरु बृहस्पति में भी, तदा ही उनकी सेवा सत्कार में लगी रहती। एक बार गुरु को प्रसन्न करने के लिए उसने एक रुद्राक्ष माला बनाई। गुरुदेव, ये भेंट स्वीकार कीजिए। ये कैसी अनुपम माला है पुंजिक स्थला? पुत्रवती भव। पुत्रवती भव। गुरुदेव, ये कैसा आशीर्वाद दे दिया आपने? मैं स्वयं चकित हूं पुत्री कि मेरे मुख से ऐसा वचन किस कारण निकला। जो वही होता है जो नीति में होता है, ये देवी प्रेरणा से ऐसा हुआ है। ये देख हो रहा है। किंतु गुरुदेव, मैं तो अप्सरा हूँ और अप्सराएं कभी माँ नहीं बनती। ये मैं नहीं जानता कि मेरे मुख से ये आशीर्वाद क्यों निकला, किंतु ये असंभव ही नहीं है। तुम भी भगवान शंकर, जगत जननी माता पार्वती के आशीर्वाद से एक पुत्र की माता बनोगी। ओ माता पार्वती, तुम्हारा पुत्र परम ज्ञानी महाबली सर्वगुण संपन्न अजय और अभय होगा। तीनों लोकों में उसके यश और कीर्ति की गाथा गाई जाएगी। इस रुद्राक्ष माला की यात्रा अभी आरंभ हुई है। कुछ दिन बीत गए। पुंजिक स्थला स्वर्ग के अपने जीवन में इस घटना को भूलने सी लगी थी। अच्छा। फिर एक दिन पुंजिक स्थला अपनी सखियों के साथ गगन विहार करते हुए पृथ्वी की ओर अच्छा। जाने की। अच्छा, पृथ्वी की ओर। सारा संसार स्वर्ग के ऐश्वर्य और विलास के स्वप्न देखता है, हमसे ईर्ष्या करता है, किंतु पृथ्वी की सुंदरता की कोई तुलना नहीं। यहाँ हर पल एक नया दृश्य, नया रंग, एक नया भाव। अच्छा। देखना, ये तो बात है। अरे, ये क्या हुआ? ये यान क्यों रुक गया? अबे यार रुक गया। ये क्या जगह रुक गया?
जरा नीचे, ये कुछ हो रही हे यान, अगर आगे नहीं बढ़ सकते तो हमें नीचे ले चलो। ये क्यों बिजली चमक रही है? चक्कर ना आगे पड़ा, मैंने बोला अगर आगे नहीं ले जा सकते तो नीचे ले जाओ, और ये देन ऊपर उड़ने वाले नीचे आ गई। क्या चिड़िया चहक रही है? तो वो है मोनकी का वो मूर्ति सी, वो स्टैचू सा बना हुआ, क्या कुछ चमक रहा है ना। ये देख वो चमक शाइनिंग कैसा हो रहा है ना, कौन क्या है सीन ये, इसका क्या रहस्य है, ये देख रहा है। ये मिट्टी है, ओ अरे जो श्वान निकली है, ये कुछ है मक्की तो नहीं हो सकती, ये कैसी ऊर्जा है या फिर क्या है, ये क्या चीज, उन्होंने तो ऋषि जी के तपस्या, ऋषि की तपस्या भंग हो तो। मुनीवर मुझे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दें तो एक अलग बात है। मैं वो वानर आकृति देखकर, हमें भी वही लगा था वानर। मुनीवर मैंने आपकी तपस्या भंग की है, मुझे नहीं पता था कि भीतर आप हैं। वाह क्या, मैं तो हमें भी नहीं पता था अंदर ये। मिट्टी की वांबी में मुझे वानर आकृति दिख रही थी तो। वानर, वानर बाहर नहीं तेरे भीतर है, तुझ में ही है वानर जैसी चंचलता। चाह तू भी वानरी हो जाएगी, वानरी हो जाएगी। शराब तो ये है शराब, ऐसे इनको मिला कि भाई साहब इनको एक ऊर्जा नजर आई, ऊर्जा का इन्होंने छेड़ा, वो सारी मिट्टी नीचे गिरी और भाई साहब को ऋषि ने शराब दे दिया। अब हमें भी नहीं पता था इसमें ऋषि जी तपस्या कर रहे हैं और भाई साहब अंदर से हमें भी वही वानर का ही वो नजर आया था। ऊर्जा में का कोई और शक्तिशाली चीज हो सकती है, कोई रोशनी हो सकती, कोई चीज होगी, लेकिन भाई अंदर से क्या निकले भाई साहब अपने, यार मैं मुझे खुद शॉक लग गया। यार एक बात बताऊं, एक चीज तू समझा, नंदी ने शराब दिया था रावण को, ठीक है, उसमें इन अप्सरा को शराब मिला था वानर का, तो उन्होंने जन्म दिया वानर। हाँ। और भाई साहब ये जो नीति में होता है ना, हाँ। ये वही होता है, और जो वो वानर है वही रावण की लंका जलाएगा, वरना ऐसे थोड़ी सब कुछ हो जाता है। रावण की लंका आखिर कैसे, ये हनुमान जी जलाएंगे क्यों कैसे, हाँ ये बात सबसे देखा, ये सारा प्रोसेस चल के आता है यार ना, ये देखना अब हमें समझ आ रही है हनुमान जी आखिर किस तरह जन्म लिया, वरना ऐसी थोड़ी आ गए थे भगवान हनुमान जी, इनको शराब मिला था
और नंदी ने रावण को भी श्राप दिया था। भगवान शिव जी की बहुत बड़ी अंदर की लीला थी भाई, ये भगवान हनुमान जी को इस दुनिया में लाने की। देखते हैं अब आगे, देखते हैं आगे होता है क्या। तो